अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, इसीलिए इस वीडियो की आखिर तक जरूर बने रहिए। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भारत सरकार में मुस्लिम समुदाय से किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल में आखिरी मुस्लिम मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। वैसे इस बार बीजेपी से कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया है, दूसरे दलों से भी सांसदों की संख्या में कमी आई है। पिछले चुनाव में 27 के मुकाबले इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 23 मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव जीत कर आए हैं। वैसे इस बार दलों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने में भी झिझक दिखाई थी। कांग्रेस ने 19, सपा ने 4, आरजेडी ने 2, टीएमसी ने 6 और बसपा ने 22 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। एनडीए ने 4 मुस्लिमों को टिकट दिया था, जिनमें से एक उम्मीदवार बीजेपी की ओर से था। इनमें से कोई जीत नहीं सका। 2024 में 24 मुस्लिम सांसद पहुँचे लोकसभा। 24 में 21 इंडिया गठबंधन के मुस्लिम सांसद एनडीए के मुस्लिम सांसदों को लेकर क्यों उठे सवाल? लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर अब सब कुछ सेट है, सारे रिजल्ट आ चुके हैं। केंद्र में हैट्रिक पर मोदी सरकार का नारा भी सही हो गया है। हालांकि अब की बार 400 पार वाला नारा पूरी तरह से फेल हो चुका है। चुनावी रिजल्ट के बाद एक आंकड़े को हर कोई जानना चाहता है, वो ये है कि मुस्लिम वर्ग से कितने सांसदों की जीत हुई है, किस पार्टी से कितने मुसलमानों ने जीत का परचम लहराकर संसद में अपनी जगह बनाई है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि किस पार्टी ने मुस्लिम वर्ग को टिकट देते वक्त कितने तवज्जो दी है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 24 मुसलमान सांसद लोकसभा पहुंचे। हैरत की बात है कि ओवैसी और दो निर्दलीय मुस्लिम सांसदों को छोड़ दिया जाए तो कल 21 मुस्लिम सांसद तो इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव में पहुंचे हैं, वहीं एनडीए की तरफ से ये आंकड़ा शून्य है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार मुस्लिम सांसदों की संख्या में 2 की कमी आई है, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा इस बार प्रतिशत में मुस्लिम सांसदों की जीत का आंकड़ा ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार 115 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव मैदान में हुंकार भरी थी, जिसमें से 26 को लोकसभा में जगह मिली थी। वहीं इस बार 78 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनावी रण में हिस्सा लिया था, जिसमें 24 लोकसभा पहुंचे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी से एक भी मुस्लिम सांसद इस बार लोकसभा में नहीं पहुंचा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के 21 उम्मीदवारों AIMIM के मुखिया ओवैसी और दो निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो चलिए देखते हैं कि किस पार्टी से कितने मुसलमानों को लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिला है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस से धुबरी लोकसभा सीट से रकीबुल हुसैन, किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर, वडकारा से शफी परिम्बल, सहारनपुर से इमरान मसूद, मालदा साउथ से ईशा खान चौधरी, लक्षद्वीप से मोहम्मद हमदुल्ला शाहिद लोकसभा में पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। समाजवादी पार्टी से कैराना से इकरा चौधरी, रामपुर से मोहिम बुल्ला, संभल से जियार रहमान, गाजीपुर से अफजाल अंसारी लोकसभा में पहुंचे हैं। वहीं टीएमसी से भी 5 मुस्लिम सांसदों ने जीत हासिल की है, जो कि जंगीपुर से खलीलुर रहमान, बहरामपुर से यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, बसीरहाट से इकले नरूल इस्लाम, उलुबेरिया से सजदा मोहम्मद, वहीं बाकी के 8 मुस्लिम सांसदों में ओवैसी का नाम शुमार है, यानी कि AIMIM से असुद्दीन ओवैसी, IUML से डॉक्टर MP अब्दुल समद समदानी, IUML से ही नवाज कानी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सायद रहुल्ला मेहंदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित मियां अल्फात अहमद, वहीं निर्दलीय से अब्दुल रशीद शेख, मोहम्मद हनीफा लोकसभा में पहुंचे हैं। यहां सवाल बीजेपी पर जरूर उठता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक भी मुस्लिम सांसद लोकसभा में नहीं पहुंचे हैं। क्या बीजेपी इस पर अपना जवाब देगी? तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।